राधे राधे भैया, थोड़ा कर दो थोड़ा। जय हो गौ माता की, जय हो। गोकुल में भी आके गायों का सेवा नहीं किया तो यहाँ आने का कोई फल नहीं है। आज छप्पन जो पहन के आए दरवाजे में नहीं बोला तो सबसे बड़ी परेशानी किसकी है? बंदर की। अब मैं आपको बताऊंगा छप्पन जूता के लिए ढूंढ बना दिया गया। आज छप्पन जूता उसने बोलना ऊंचे कर दिया क्या? नहीं है, ये तुम नहीं जानता, हम नहीं जानता है, और लाला जानता तुम्हारा द्वार के जीत जानता है। ये उन्हीं भक्तों का नाम है जो भक्तों में अपना माता के लिए, अपने पिता के लिए जो गायों की सेवा करके जाता है, उनका माता पिता का नाम भगवान के चरणों में आजीवन के लिए वास है। बेटा होता है ना, बेटा अपने हाथों को क्या करेगा? शरीर से पहुंचेगा, दीवार से पहुंचेगा, फर्श से पहुंचेगा। भगवान चोरी चोरी माखन खाते थे, भैया आ जाती थी, भगवान क्या करते थे? अपने हाथों को मुंह से पोंछ दिया करते थे। आज भी सारे हमें आपको चिकने मिलेंगे। बोलो राधे राधे। आप किसी भी कारण अपने माता पिता को 84 वर्ष का प्रतिबंध नहीं कर पाया, पैसा के कारण, शरीर के कारण, घुटनों के कारण, किसी भी कारण नहीं करा पाया, और माता पिता आशा करता है कि मेरा मनुष्य बने हुआ है, एक बार मैं जाके ब्रज में जाऊँ, एक बार मैं भी पर किसी भी कारण नहीं कराया। तो कार्तिक मास में अगर कोई बेटा बेटी गोकुल आता है, गोकुल में से दो काम करता है, भगवान का माखन मिश्री का भोग लगाना, और एक बार इन 84 घरों का परिक्रमा करना। तो तुमको और तुम्हारे माता पिता को चार धाम 84 कोस यात्रा करने का यही फल मिले। मैंने बताया वाक्य में हाथी घोड़ा पाल की ओर जगह नहीं। अभी 84 गम्मे लेके आपने नम्बर भाव होता है, ये राज प्रांगण का जगह, यहाँ पे लोकल आदमी को किसी को एंट्री नहीं होती है, तो बाहर से यात्री आता है, जैसे आप लोग आते हैं आज के लिए यहाँ रास्ते के लिए एंट्री होती है, क्योंकि लोकल तो टीवी में देखा, बाहर से जितना भी यात्री आता है सब एक दिन के लिए सब बंद हो जाता है, और सबसे पहले आपके लिए यहाँ एंट्री होती है, हमारे लिए हमारे यहाँ एंट्री नहीं होती। ये रास्ता जगह यहीं से लाइव टेलीकास्ट आपके यहाँ टीवी सामने आता है। अब भगवान का दर्शन करने हम लोग आप लोग चल रहे हैं, दरवाजे पे अपना नंबर लगाएंगे, हमसे पहले भक्त लोग जो बैठा हुआ है वो पहले जाएगा, और हमारा तुम्हारा नंबर आएगा, हमारे तुम्हारे बाद जो आएगा वो आपके बाद में जाएगा। एक बार ब्रह्म बाबा के घर में लंबा हाथ करो और एक बार हंसी करो प्रेम से, सुबह बोलो हाथी घोड़ा पाल की।